सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि हत्या करना पाप है, सीधा लिखा है, हत्या करना पाप है। तो फिर दशरथ जी ने हत्या क्यों की, पांडु ने हत्या क्यों की, क्यों जंगल जाते थे शिकार करने, जब गलत था तो? अब मैं आपको बताऊंगा, उस जमाने में जो राजा और महाराजा हुआ करते थे, उन राजा महाराजाओं को जंगल के उन जानवरों का शिकार करने का अधिकार था। जंगल में कुछ जानवर ऐसे होते थे जो उद्दंड हो जाते थे, मतलब उद्दंड जानते हैं कि वो एक जानवर पावरफुल हो गया तो वो सबको परेशान करता था, उन जानवरों को मारने का अधिकार राजा को हुआ करता था, पहला, ताकि जंगल की व्यवस्था बनी रहे। अब कोई शेर ऐसा मिल जाए जंगल में जो सारे शेरों को मारने लग जाए तो उस शेर को मार देना ठीक है, उद्दंड हो गया है ना, है ना। अब जैसे कुछ बैल होते हैं, एक बैल है सारे बैलों को मारता रहता है, तो उस बैल को फिर किसान अलग कर देता तो सबको मारता है। उसी तरह जंगल के कुछ जो राजा महाराजा होते थे उनकी निगरानी जंगलों में हुआ करती थी कि जंगल में क्या चल रहा है, जंगल में भी उनकी निगरानी हुआ करती थी। तो वो जो उद्दंड हो जाते थे जानवर उन्हें मारते थे राजा, पहला। दूसरा, जैसे डॉक्टर, जब आप बच्चे जब डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं ना, तो उन्हें चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना होता है, हाँ या ना। आप में से कितने लोग वायु इत्यादि सब्जेक्ट लेके आगे बढ़े हैं? जब आप इस सब्जेक्ट से आगे बढ़ेंगे तो चूहे पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, हमें सिखाने के लिए। क्यों मैं ऐसे है, चूहे पर, बंदरों पर, अन्य जानवरों पर डॉक्टरों का एक्सपेरिमेंट। जैसे अभी कोरोना की दवाई आई तो पहले उस दवाई का, पहले इन जानवरों पर, इन जीवों पर एक्सपेरिमेंट होता है, उपयोग होता है कि इन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो दवाई कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रही है। जब इन पर सब ठीक होता है तब वो मनुष्य अर्थात हमें और आपको मिलती है। तो डॉक्टरों को उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा है कि चूहे को उन लोग फाड़ते हैं और फाड़ के फिर जोड़ देते हैं, सही है। तो बताओ, चूहे को डॉक्टर एक्सपेरिमेंट के लिए काट रहा है, फाड़ रहा है, तो वो सही कर रहा है कि गलत? माना कि चूहे को मारना भी हत्या है, पर डॉक्टरी हिसाब से वहां पर वो हत्या नहीं हुई, वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक आवश्यकता है। जैसे चींटी को मारना पाप है पर हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने में नींव खुदती है तो उसमें तो बहुत सारी चींटियां जीव जंतु मर जाते हैं, एक भी घर ऐसा नहीं बन सकता मेरी माँ जिस घर को बनाने में जीव हत्या ना हो, बन सकता है? आप जहां बैठे हैं वहां खोद कर देखिए, वहीं बहुत सारे छोटे छोटे जीव निकल आएंगे, तो वो जाने अनजाने में मारे जाएंगे। आप मशीन चलाएंगे, आप कुटाई पिटाई करेंगे, मसाला डालेंगे, कंक्रीट डालेंगे, मर जाएंगे। तो वो एक अपराध होता ही है हम सबसे, जो ना चाहकर होता है तो पाप, लेकिन इस पाप का प्रायश्चित है कि भगवान का स्मरण कीजिए, मुक्ति मिल जाएगी। वो मजबूरी है, डॉक्टरों का चूहे को मारना कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। उसी प्रकार बड़े बड़े राजा महाराजा लोग शेर का शिकार करते थे ताकि वो अपनी पब्लिक को ये बता सकें कि हमारे राज्य में तुम सुरक्षित हो, क्योंकि हमारा राजा शेर का भी शिकार कर लेता है। पब्लिक डरे ना कि यार हमारा राजा तो बिल्कुल भागने वाला, कल को हमारे देश पर संकट आएगा भाग जाएगा। तो राजा महाराजाओं का ये आवश्यक, पहले के राजा अपने बेटे से कहते थे जा शेर का शिकार करके आ, फिर तू राजा बनेगा,
मतलब ये वहां की शिक्षा का उस जमाने की पीएचडी थी ये, आप ये समझो कि हिरण दौड़ता है उसको निशाना लगाना, उसको निशाना लग गया मतलब ये निशानेबाज है। मतलब उस जमाने की पीएचडी थी ये समझो आप, हाँ या ना। इसलिए ये अधिकार केवल राजा को हुआ करता था, आम पब्लिक को नहीं। तो उस जमाने में जो राजा महाराजा शिकार करते थे उनका शिकार करना गलत नहीं था, लेकिन आज हम बच्चे के पैदा, अच्छा दशरथ जी के यहाँ चार बच्चे पैदा हुए, क्या उन्होंने बकरे की बलि चढ़ाई? नहीं चढ़ाई ना। जनक जी के यहाँ सीता का प्राकट्य हुआ, क्या जनक जी ने बलि चढ़ाई? बोलो। जब सीता माता के जन्म पर जनक जी ने बलि नहीं चढ़ाई तो आज जनकपुर के बहुत सारे लोग, उस क्षेत्र के लोग पुरानी परंपराओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हो? जब दशरथ जी ने, जब जनक जी ने बलि नहीं चढ़ाई तो आप क्यों किसी की हत्या करते हैं? आप कौन होते हैं हत्या करने वाले? जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन छीन लेने का अधिकार किसने दिया? राम जी का जब राज्य तिलक हुआ, राम जी राजा बने, तो क्या राम जी ने बकरे को काटा था? नहीं, कहीं जिक्र नहीं है, आप कहीं नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने तो क्या बलि चढ़ाई? नहीं। मतलब ये जो बलि चढ़ाने की परंपरा है ये कुछ उन लोगों ने शुरू की जो मांस खाने के आदि हो गए थे, उन्हें लगा परंपरा का नाम दे दो ताकि इसी बहाने खाने पीने को मिलता रहेगा शादी विवाह पार्टी में। तो वो परंपरा गलत थोप करके चले गए और आज आप इसीलिए वो निभा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है नहीं करेंगे कहीं देवी माता गुस्सा ना हो जाए। कोई देवी गुस्सा नहीं होती। हम लोग तो देखो कभी हमारे खानदान में तो कभी बलि नहीं चढ़ी और बलि चढ़ानी ही है तो बकरे की क्यों? अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने झूठ, अपनी कपट, निंदा और चुगली की बलि चढ़ा दो, अपने अंदर की बुराइयां बताओ, आप लोगों के अंदर बुराइयां हैं या नहीं? क्यों मैया जी, आप में से कितनों के अंदर बुराइयां हैं ये उठाओ हाथ। किसके अंदर बुराई है मैया? आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। यदि आपके अंदर बुराई है तो आप लोग अपनी अपनी बुराइयों की बलि क्यों नहीं चढ़ा देते? झूठ की बलि चढ़ाओ, छल की बलि चढ़ाओ, निंदा चुगली की बलि चढ़ाओ, बुरी आदतों की बलि चढ़ाओ, शराब की बलि चढ़ा दो अर्थात शराब पीना छोड़ दो, जुआ तंबाकू सिगरेट बीड़ी की बलि चढ़ाओ अर्थात ये बुराइयां छोड़ दो, इनकी बलि ना चढ़ाएंगे, बकरे को लाके काट देंगे। ये कौन सी समझदारी है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा जो उनके खानदान में वर्षों से होती आई है उसे बंद कराकर उन्होंने श्री गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की। तो आप लोग कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा या नहीं होती थी, नहीं करते थे? सब लोग हाथ उठा के बताओ, नहीं करेंगे ना आप? चलो अब नीचे करो। ये बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ परंपराओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है? उठा लो हाथ। इतने लोग आपके यहाँ चढ़ती है बलि अभी भी? अब मत चढ़ाइएगा। और यहाँ हाथ उठाने वाले भैया आपके यहाँ चढ़ती है बलि? अब मत चढ़ाइएगा। बोलो हाँ या ना। नहीं चढ़ाएंगे? अच्छा मत चढ़ाइए। किसी भी देवी देवता को बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। चढ़ाना है अपने आप को समर्पित कर दो। प्रभु मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, कर रहा हूँ।